नागौर में एनडीए उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल ने बुधवार को मेड़ता का दौरा किया। राजसमंद से भाजपा प्रत्याशी दिया कुमारी के समर्थन में जनसभा की गई। इस मौके पर राजसमंद से बसपा प्रत्याशी चेनाराम गोदारा, जेतारण के विक्रम गुर्जर ने आम आदमी पार्टी विधानसभा प्रत्याशी जगदीश नायक सहित कई लोगों ने भाजपा प्रत्याशी दिया कुमारी को समर्थन दिया। भाजपा प्रत्याशी दिया कुमारी ने कहा कि हनुमान बेनीवाल मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने समर्थन दिया है तो राम और हनुमान एक साथ आ गए, अब एक और एक मिलकर 101 बन गए हैं। दिया कुमारी ने कहा कि मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने देश के हर वर्ग के बारे में सोचा, विश्व में भारत का नाम रोशन किया। उन्होंने सभी से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। एनडीए प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल ने कहा कि हम जीत कर राजस्थान को विशेष दर्जा दिलवाएंगे। सभा में बेनीवाल ने सीएम गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे मंत्री नहीं बनना है, मैं तो किसानों की सेवा करना चाहता हूं। बोला था हनुमान बेनीवाल जीती है, अगर मेरे साथ आता तो मैं कैबिनेट का मंत्री बना देता। मैंने कहा कि गहलोत साहब अगर मैं 3 में मुंडवा की सीट छोड़कर नागौर से ले लेता तो 3 में ही मंत्री बन जाता, मना कौन कर रहा था। मंत्री बनना तो मेरे हाथ में ही था, मैं तो जब चाहूं जब मंत्री की शपथ ले लूं, लेकिन मैंने पूर्ण किया कि आपके मान सम्मान को ठेस नहीं लगने दूंगा। संतरी बन के तब तक आपकी सेवा करूंगा, तब तक किसानों का अंतिम छोर बैठे मेरे भाइयों के सत्ता के अंदर भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो जाए। किसानों के लिए इतना कुछ किया, उनके लिए ऋण माफ करके उनको इतने, अब तो 1 लाख का कर्ज भी मिलेगा और उसमें ऋण भी आपको नहीं चुकाना पड़ेगा, जो हमारा घोषणा पत्र है। बेटियों के बारे में इससे पहले किसी ने नहीं सोचा था, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चलाई, स्वच्छ भारत के अंतर्गत सबके घरों में शौचालय बनाए। मोदी जी के बारे में तो मैं कहूंगी कि इतना उन्होंने इस देश के लिए किया कि अगर हम उनको दोबारा नहीं बनाएंगे तो हमारा ही दुर्भाग्य हो। तो इस देश का सौभाग्य है हम सभी का कि हमारे को ऐसा व्यक्ति मिला, हमारा देश जिसने मजबूत किया और हर प्रयास किया उन्होंने कि हमारा देश ना केवल हमारे देश में लेकिन विदेशों में भी